दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है। मैच को त्योहार की तरह मनाया जाता है और क्रिकेटर्स की देवी देवताओं की तरह पूजा की जाती है। यहां न क्रिकेट देखने वालों की कमी है, ना ही क्रिकेट खेलने वालों की। नीली जर्सी में खेलने का ख्वाब तो हर आंखों में पाया जाता है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान हमारे ही देश को हो रहा है, क्योंकि सभी स्पॉन्सर्स और फैन का रुझान क्रिकेट में है। बाकी खेलों में कमाल दिखाने वाले टैलेंटेड खिलाड़ी को ना ही अधिक सपोर्ट मिलता है और ना ही अधिक सराहना। उदाहरण के लिए, हाल ही में धोनी ने टेनिस टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीती, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन साथ ही सुनील कुमार बजाज नाम के खिलाड़ी को कोई नहीं जानता। बाकी खेलों को भी वैसी लोकप्रियता और विख्याति मिलनी चाहिए। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिसने एक नहीं बल्कि दो खेलों में भारत का मान बढ़ाया, पर अफसोस जब उसने दूसरे खेल यानी शतरंज में झंडे गाड़े तो उसे किसी ने पूछा तक नहीं और कोई स्पॉन्सर नहीं मिला और उन्हें असली पहचान मिली क्रिकेट में। बात कर रहे हैं भारत के शानदार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की। तो आप में से काफी दर्शक काफी दिनों से युजवेंद्र चहल के बारे में वीडियो बनाने को बोल रहे थे, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं और आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। युजवेंद्र सिंह चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जींद शहर में हुआ। इनके पिता के चहल, जो कि पेशे से वकील हैं, हरियाणा की घरेलू टीम के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, साथ ही चयनकर्ता भी, और उनके घर खिलाड़ियों का आना जाना लगा रहता। टीम के खिलाड़ी रोज 7-8 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए पैदल जाया करते। जब यूजी 5 साल के थे तो उनके पिता उन्हें भी उन खिलाड़ियों संग ट्रेनिंग पर भेजा करते। यहीं से उनमें क्रिकेट का जुनून पैदा हुआ और उन्होंने कई टूर्नामेंट में भाग लेना शुरू किया और 10 साल की उम्र में उन्होंने हरियाणा की अंडर 14 टीम में शिरकत की। फिर इसके बाद अंडर 15 और अंडर 17, 19 में वे कप्तानी भी कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चहल एक और खेल के क्षेत्र में भी भारत को गौरवान्वित कर चुके हैं? वो खेल है शतरंज। 2002 में चहल ने कोलकाता में राष्ट्रीय अंडर 11 चैंपियनशिप जीती। अगले वर्ष उन्होंने अपने बोर्ड गेम करियर में बड़ी छलांग लगाई और ग्रीस के हल्दिकी में वर्ल्ड अंडर 12 चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने एशियाई और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में आज के ग्रैंड मास्टर जैसे अल्ताज सफरली के खिलाफ खेला। लेकिन जिस देश में सारा रुझान ही क्रिकेट पर हो, शतरंज में किसी का क्या ही करियर हो सकता है? वे चेस में अपना करियर आगे नहीं बढ़ा सके। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं 2002 में कोलकाता में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय बाल शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 चैंपियन बना था। मैं बड़ा होकर शतरंज का खिलाड़ी बनना चाहता था और अगले साल मुझे अंडर 12 इवेंट में एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। टूर्नामेंट केरल में आयोजित किया गया था। फिर मैं हल्दिकी ग्रीस में विश्व युवा चैंपियनशिप में भाग लेने गया, लेकिन 67वें स्थान पर रहा। इसलिए मैं शतरंज खेलने के लिए और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि मैंने कंप्यूटर के माध्यम से शतरंज सीखा था। मुझे पता था कि शतरंज में आगे बढ़ने और अच्छी ट्रेनिंग पाने के लिए मुझे एक साल में कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत होगी और मैंने स्पॉन्सर पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसलिए मैंने शतरंज छोड़ दिया। और इस तरह यहां से चहल ने पूर्णता शतरंज को छोड़कर क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू किया। आपको बता दें कि वे विश्व शतरंज महासंघ की आधिकारिक साइट में सूचीबद्ध हैं। नवीनतम FIDE रेटिंग के अनुसार चहल की रेटिंग 1956 है। साल 2009 में 19 वर्षीय चहल ने हरियाणा की रणजी टीम से रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर का आरंभ किया। इसी साल उन्होंने अंडर 19 कोच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक 34 विकेट लेकर अपने टैलेंट का नजराना पेश किया। बैक टू बैक शानदार प्रदर्शन करने वाले चहल को 2011 के IPL सीजन में मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ा। हालांकि पूरे सीजन वो केवल बेंच पर बैठे रहे और इस सीजन में उन्होंने एक भी गेम नहीं खेला, लेकिन फिर उसी साल मुंबई की चैंपियंस लीग T20 में उनका नाम था। यहाँ उन्हें खिलाया गया, उन्होंने सभी मैच में प्लेइंग 11 में भाग लिया और फाइनल में 3-0-9-2 के स्पेल के साथ मुंबई की जीत में शानदार प्रदर्शन किया, जहाँ उनकी टीम 139 का मामूली सा स्कोर डिफेंड कर चैंपियन बनी। हालांकि मुंबई के साथ अगले 2 वर्षों में उन्हें केवल एक ही मैच खिलाया गया, जो कि उनके स्तर के इस टैलेंटेड खिलाड़ी के साथ घोर अन्याय था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। आखिरकार फिर वो समय आ ही गया जब चहल का भाग्य बदलने वाला था। साल 2014 के IPL नीलामी में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स ने उनके बेस प्राइज 10 लाख में खरीदा था, जहां से उनके करियर को एक नई उड़ान मिली और उन्हें अपनी किफायती गेंदबाजी के दम पर IPL 2014 के मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। यहीं से उनका लाजवाब प्रदर्शन जारी रहा और अगले संस्करण में 23 विकेट और IPL 2016 में 19 विकेट लेकर यूजी ने कोहराम मचा दिया। अब उनकी परफॉर्मेंस को एक मंच
और पहचान मिल रही थी, जो किसी भी खिलाड़ी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए काफी जरूरी होता है। इसी के दम पर चहल का चयन 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम में हुआ और रायपुर में डेब्यू कैप हासिल कर चहल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा और इसी दौरे पर अपना T20 डेब्यू भी किया। 2017 में चहल की फिरकी विश्व भर के बल्लेबाजों के सर चढ़कर बोली थी। पहले इंग्लैंड के खिलाफ T20 में 6 विकेट लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया, जहां वे T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने, जो इंग्लैंड के खिलाफ 6-25 के आंकड़ों के साथ समाप्त हुआ। युजवेंद्र चहल T20 में एक फाइफर और साथ ही 6 विकेट लेने वाले पहले लेग स्पिनर भी थे और T20 इतिहास में लेग स्पिनर के रूप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने किसी भी गेंदबाज द्वारा 2017 में T20 में सबसे अधिक 23 विकेट लिए। उन्होंने करिश्माई प्रदर्शन से कई सुर्खियां बटोरी और रिस्ट स्पिन का ट्रेंड लाई उनकी और कुलदीप की जोड़ी, जिसे हमने कुलचा के नाम से जाना, कमाल कर दिया। जहां विकेट के पीछे से माही इन दोनों को किफायती बनाते रहे बल्कि विकेट लेने के गुर भी देते। 2019 में चहल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय में 5 विकेट लिया। 2003-04 में अजीत अगरकर के बाद एक भारतीय गेंदबाज बनाम ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये संयुक्त सर्वश्रेष्ठ आंकड़े थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में MCG में किसी भारतीय स्पिनर द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ आंकड़े भी थे। विश्व कप में भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, जहां उन्होंने 12 विकेट लिए, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में बुरी तरह फ्लॉप रहे। महंगी गेंदबाजी के चलते अब कुलदीप और चहल की जोड़ी एक साथ नहीं दिखती है। इसी वर्ष बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 के दौरान वह T20 में 50 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बने। 2020 में चहल ने क्रिकेट इतिहास में एक और पन्ना जोड़ दिया, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में स्टार की सरफोर्ड बाउंसर ने जड्डू को चोटिल कर दिया, तब चहल ने रविंद्र जडेजा की जगह ली और अपने जबरदस्त स्पेल से महत्वपूर्ण 3 विकेट लेकर चहल ने हारे मैच को अपने दम पर पलट दिया, जिसकी बदौलत बाद में उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले पहले कनेक्शन सब्स्टिट्यूट बने। जून 2021 में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ उनकी श्रृंखला के लिए भारत की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में नामित किया गया और यह वही श्रृंखला थी जहां एक लंबे अंतराल और इंतजार के बाद विश्व ने कुलदीप और चहल को दोबारा एक साथ मैदान पर देखा। लगभग हर मैच और श्रृंखला में भारतीय टीम का हिस्सा रहने वाला यह करामाती स्पिनर 2021 के T20 विश्व कप में पक्का माना जा रहा था, लेकिन हद तो उस समय हो गई जब उन्हें T20 विश्व कप में भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। कमाल की गेंदबाजी करने वाले इस धाकड़ गेंदबाज को बेतुकी सिलेक्शन और बेबुनियादी लॉजिक और अचंभित करने वाले बयानों ने हम फैंस को काफी निराश किया। चहल पिछले कुछ वर्षों में सफेद गेंद के क्रिकेट में भारत के स्पिन आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से T20 विश्व कप की टीम से बाहर हो गए, क्योंकि चयनकर्ता राहुल चहर चक्रवर्ती के साथ गए थे, जबकि आर अश्विन को 4 साल के बाद सबसे छोटे प्रारूप में वापस बुलाया गया था। जिस पर चहल ने खुलासा किया कि इस खबर के बाद वह 2-3 दिनों तक बुरी तरह से आहत थे, लेकिन जानते थे कि IPL का दूसरा चरण नजदीक है, जिसमें उन्होंने खुद को भुनाने का मौका दिया। हालांकि UAE में IPL के दूसरे चरण में उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम में वापस नहीं लिया गया और 15 सदस्यीय टीम से उनका नाम बाहर होना उनके अनुभव को देखते हुए कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। चहल के 2021 के दूसरे चरण में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले घोषित भारत की संशोधित टीम में उन्हें जगह नहीं मिली थी और न ही रिजर्व में शामिल किया गया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, जहां भारत ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया। वरुण और चाहर को एक विकेट भी नसीब नहीं हुई और अश्विन और जडेजा की स्पिन जोड़ी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। विश्व कप के तुरंत बाद उन्हें भारतीय टीम में वापस लाया गया और लगा कि इस नायाब हीरे को अब पर्याप्त मौके मिलेंगे। अगले साल विश्व कप में तो उन्हें टीम में खिलाया ही जाएगा। इसी वर्ष के IPL में RCB ने भी उन्हें रिलीज कर दिया और ऑक्शन में खरीदा भी नहीं, जो कि और भी निराशाजनक था। चहल तो अभी RCB के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन उन्हें खरीदने में टीम ने कोई रुचि नहीं दिखाई। यहाँ से राजस्थान की टीम ने उनका हाथ थामा और अपनी टीम को फाइनल तक पहुँचाने वाले चहल टूर्नामेंट में सर्वाधिक 27 विकेट लेकर पर्पल कैप जीते। इसी वर्ष वे एशिया कप और विश्व कप में उनका चयन हुआ। उनका प्रदर्शन 50-50 ही रहा, मगर उनकी काबिलियत का खिलाड़ी किसी भी प्लेइंग 11 से बाहर नहीं हो सकता, और वो भी ये जानने के बावजूद कि लेग स्पिनर अपने दम पर मैच पलटने की ताकत रखते हैं, साथ ही विश्व भर की टीमें इनमें इन्वेस्ट कर रही हैं। चहल ऑस्ट्रेलिया भी गए, लेकिन केवल पानी पिलाने के लिए। उनसे ऊपर अश्विन और अक्षर को तरजीह दी गई और भारत ने पिछले वर्ष की गलती दोबारा दोहरा कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, जहां उसे इंग्लैंड से 10 विकेट की शर्मनाक हार हाथ लगी। इसके अलावा हाल ही में उनसे जुड़ा एक अचंभित कर देने वाला किस्सा सामने आया। उन्होंने खुलासा किया कि मुंबई इंडियंस के साथ उनके कार्यकाल के दौरान एक टीममेट ने शराब के नशे में उन्हें 15वीं मंजिल की बालकनी से लटका दिया था। उन्होंने खिलाड़ी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस रहस्य उद्घाटन के कारण सख्त कार्रवाई की मांग की गई और कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस पर आश्चर्य जताया। आखिर कोई खिलाड़ी अपने टीममेट संग ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि अभी तक उस खिलाड़ी का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन एंड्रू साइमंड्स और जेम्स फ्रैंकलिन के नाम पर अफवाहों के बाजार जरूर गर्म रहे। फिलहाल वे न्यूजीलैंड में टीम का हिस्सा रहे। तो चहल ने अपने करियर में कुल 68 एक दिवसीय और 71 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 118 और 87 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के टॉप के स्पिनर और चेस ग्रैंड मास्टर की, जो अपने दम पर मैच पलट दिया करते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप अपने किस फेवरेट खिलाड़ी पर देखना चाहते हैं। बाकी आप सबकी डिमांड रनिंग में है। आप में से कुछ दर्शक दीपक हुडा की बायोग्राफी पर वीडियो बनाने के लिए बार बार कह रहे हैं, तो आप सबकी डिमांड को हम जल्द ही पूरा करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नाटक टीवी को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।